नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल MK मोबाइल इंडिया में। और दोस्तों, आज का जो विषय है वो है MI 3S प्राइम का हार्ड रिसेट कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे हाथ में आप फ़ोन देख रहे हैं वो है MI 3S प्राइम, और इसको कैसे हार्ड रिसेट करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। हमें पहला बटन वॉल्यूम का दबाना है, वॉल्यूम अप का दबाना है, दोनों एक साथ प्रेस करने हैं। फिर उसके बाद वॉल्यूम बटन को छोड़ के ऐसे आपका निशान आ जाएगा, और रिकवरी पे आपको ओके करना है, और इससे हमारा रिकवरी नहीं होगा। रिकवरी को ओके करके हमें ये वाला बटन ओके करना है, इसका जो लेफ्ट हैंड पे है। और इसको ओके करने के बाद आपका फ़ोन रिस्टार्ट होके चालू होगा और आपको ऑप्शन देगा। देखिए दोस्तों, अभी ऑप्शन ये आ गया है। जो इसमें ऑप्शन आ रहा है, इससे हम वॉल्यूम डाउन से हम नीचे करेंगे, नीचे करके इसको ओके करेंगे। ओके करके दोस्तों देखिए, फिर हम वॉल्यूम नीचे करेंगे, डाउन को दबाएंगे और दबा के इसको ओके करेंगे, और ये हमारा स्वाइप डाटा हो गया, ये हमारा डाटा रिस्टार्ट हो रहा है, और ये सक्सेसफुल हो चुका है हमारा डाटा रिस्टार्ट। इसको रिबूट करने के लिए हम प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट हो रहा है, और रिस्टार्ट होने के बाद ये चलेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, ये फ़ोन चालू हो गया है। अब हमारा फ़ोन ये रिस्टार्ट हो गया है। इसे हम किस कंडीशन में कर सकते हैं, आपका फास्ट मोड पे आ जाए, या आपका पैटर्न आप भूल जाओ, बटन लग जाए, उसमें हम आपको हार्ड रिसेट करके इन प्रॉब्लमों का सलूशन कर सकते हैं। इंडिया पे सेलेक्ट करना है हमें, इंडिया पे सेलेक्ट करके हमें कंट्री देखना है, इसमें हमें इंडिया पे देखना है इसमें, और ये इंडिया हमने ओके कर दिया, और ये नेक्स्ट जाएगा। को स्कीप करना है, नेक्स्ट करना है, और स्कीप करना है, और ये दोस्तों ये हमें नो करना है, और ये स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद ये हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो गया है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपके फ़ोन तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।